हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है ट्रैवलिंग व्लॉग्स विद दीप्स में। इस वीडियो में मैं आपको गौरी शंकर मंदिर के बारे में बताऊंगी। मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं बता देती हूँ, ये मंदिर चांदनी चौक में स्थित है। यहाँ आने के लिए आपको मेट्रो के वॉलेट लाइन के लाल किले वाले स्टेशन पे उतर कर गेट नंबर 1 से एग्जिट करना होगा। एग्जिट करते ही आपको वॉकिंग डिस्टेंस में ये मंदिर दिखाई दे जाएगा। चांदनी चौक इलाके में स्थित यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव जी और माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि मंदिर लगभग 800 साल पुराना है और 1761 में मराठा सैनिक आपा गंगाधर ने इस मंदिर के भवन का निर्माण करवाया था और 1959 में सेठ जयापुरा ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको माता पार्वती और शिवशंकर भगवान की सुंदर प्रतिमा के दर्शन होंगे। प्रतिमा के पीछे की दीवार में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के साथ भगवान की कलाकृतियां भी देखने को मिलेंगी। मुख्य मंदिर के अंदर शिवलिंग के साथ पूरे शिव परिवार को भी स्थापित किया गया है। श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। मुख्य मंदिर के चारों दीवारों पे आपको सुंदर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। सारी कलाकृतियों को संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। हर एक कलाकृति अलग अलग कथाओं को दर्शाती है, जैसे समुद्र मंथन, शिव पार्वती विवाह, काल भैरव का स्वरूप। अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारी मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के मध्य में स्थित भगवान शिव जी यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। पूरे मंदिर की शोभा को बढ़ाते हैं मंदिर के अंदर स्थित शिव शंकर भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा। इसके अलावा मंदिर में और भी भगवान को स्थापित किया गया है। सच कहती हूँ, आप एक बार इस मंदिर पे आओगे तो आपको बहुत ज्यादा ही सुकून मिलेगा। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव और हैप्पी होली एवरीवन।